The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, क्या हर डायबिटीज के पेशेंट को हार्ट अटैक प्रिवेंशन की दवा इकोस्पिरिन एस्पिरिन लेनी चाहिए या नहीं, आज का ये टॉपिक है। और क्यों है ऐसा, क्योंकि डायबिटीज के पेशेंट्स के लिटरली डबल चांसेस हो जाते हैं, आपके नॉर्मल आदमी से डबल चांसेस हो जाते हैं एक हार्ट अटैक या स्ट्रोक होने का। और ये लो डोज एस्पिरिन आपके इस रिस्क को रिड्यूस कर सकती है। तो क्या हर डायबिटीज के पेशेंट को इकोस्पिरिन या एस्पिरिन की दवा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, यहां पर यह जानना बहुत जरूरी है कि दुनिया भर में बहुत सारे लोग ये दवा रेगुलरली लेते हैं, मगर करंटली रिकमेंडेशंस ये बताए जाते हैं कि अगर आपको डायबिटीज है भी तो भी आपको सिर्फ और सिर्फ तब ये दवा हार्ट अटैक या स्ट्रोक के प्रिवेंशन की रेगुलर ब्लड थिनिंग एंटीप्लेटलेट दवा तब लेनी चाहिए अगर आपको एक और एडिशनल कार्डियोवैस्कुलर रिस्क है, यानी कि एक नहीं दो कार्डियोवैस्कुलर रिस्क आपको चाहिए, यानी हार्ट अटैक के कार्डियो और वैस्कुलर, यानी स्ट्रोक, किसी भी खून की नस में ब्लॉक या क्लॉट आने का रिस्क, अगर एक नहीं दो से दो रिस्क है, दो रिस्क फैक्टर से ज्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं, तो आपको खून पतला करने की दवा चलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस खून पतला करने की दवा के भी अपने साइड इफेक्ट्स हैं। खून पतला करने की दवा से आपको ब्लीडिंग हो सकती है, आपको पेट के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है और आपको इजी ब्रूजिंग हो सकती है, खून पतला कर रहे हैं ऑब्वियसली। सो ये बात समझिए, डायबिटीज अपने आप में हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ा देता है इन्फ्लामेशन करके, आपके खून की नसों के एंडोथीलियम के अंदर लिटरली आपके एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ा देता है डायबिटीज, अगर खासकर अनकंट्रोल में है तो। सो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज इज वेरी बैड, मगर ये पहला रिस्क फैक्टर अगर आपको ऑलरेडी है तो उन लोगों के लिए जो जिनको सेकेंड रिस्क फैक्टर है उनके लिए ये दवा जरूरी हो जाती है प्रिवेंशन के लिए, फिर आगे लिटरली जिंदगी भर जब तक उनकी सेकेंड रिस्क फैक्टर खत्म नहीं होता या सेकेंड रिस्क फैक्टर चल रहा है तब तक लेने के लिए। अब ये सेकेंड रिस्क फैक्टर क्या है पहले ये समझे, बिकॉज ऑब्वियसली हम एक रिस्क उठा रहे हैं, खून पतला करने की दवा ले रहे हैं, इजी ब्रूजिंग हो सकती है, कहीं से ब्लीडिंग हो सकती है, नाक से ब्लीडिंग हो सकती है, पेट में ब्लीडिंग हो सकती है, कहीं और सीरियस ब्लीडिंग्स भी हो सकती है। सो लो डोज ही सही, लो डोज इकोस्पिरिन एस्पिरिन पे डिटेल वीडियो बना रखा है मैंने, उसके डोसेज 75 मिलीग्राम से लेके 160-162 मिलीग्राम तक लोग लेते हैं, खासकर अगर आपको हिस्ट्री है कोई हार्ट अटैक की तब बहुत जरूरी है। सेकेंड रिस्क फैक्टर की बात हो रही थी कि अगर आपको डायबिटीज है भी तो आपको देखना है आपको सेकेंड रिस्क फैक्टर है क्या। सेकेंड रिस्क फैक्टर में सबसे बड़ी आती है आपकी उम्र, 50 साल की उम्र के बाद उस उम्र को ही रिस्क फैक्टर माना जाता है कि 50 के बाद जो लोग होते हैं उनको हार्ट अटैक का रिस्क होता अपने आप में, चाहे उनको कोई और बीमारी हो या ना हो, बीपी शुगर थायराइड कुछ हो या ना हो, मोटापा हो या ना हो, आप 50 साल की उम्र के ऊपर आपको सेकंड रिस्क फैक्टर है। दूसरा बड़ा रिस्क है हाई ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है सेकंड रिस्क फैक्टर वो बन सकता है, चाहे आपकी उम्र 50 से ऊपर हो या ना हो, अगर आपकी उम्र 32 साल की है, आपको डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, आपको खून पतला करने की दवा लेनी चाहिए। या फिर ब्लड प्रेशर नहीं है, आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, डिसलिपिडेमिया है, आपके अनहेल्दी लेवल्स हैं, आपके एलडीएल लेवल्स के लिपिड प्रोफाइल के एचडीएल कम है, एलडीएल ज्यादा है, वीएलडीएल ज्यादा है, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स अपने आप में बहुत ज्यादा इस पर्टिकुलर हार्ट की प्रॉब्लम को इफेक्ट नहीं करते और जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो नहीं करता, इसके ऊपर डिटेल वीडियोस अलग से बने हुए हैं, उसको जाके देखिए, कोलेस्ट्रॉल, लिपिडिमिया, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, इनको समझने के लिए। इसके अलावा अगर आपको कोई किडनी की बीमारी है, क्रोनिक किडनी डिजीज है, एल्ब्यूमिन यूरिया, यूरिन में एल्ब्यूमिन आता है, तो भी ये हाई रिस्क में बन जाता है, मतलब डायबिटीज प्लस किडनी प्रॉब्लम आने लगी है, एल्ब्यूमिन यूरिया है, तो आपको खून पतला करने की दवा लेनी चाहिए। या फैमिली में सिर्फ हिस्ट्री है अर्ली कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की, यानी आपके पापा, आपकी मम्मी, आपके घर परिवार में चाचा, ताया, किसी को भी अर्ली एज में 40-50 की उम्र में, 60 की उम्र में, 40-50 की उम्र में हार्ट अटैक आया हो तो आपको भी रिस्क है, तो आपको भैया लेनी पड़ेगी दवाई। ठीक है, 55 साल की उम्र में मेल्स को या 65 साल की उम्र से नीचे फीमेल्स को अगर आया है तो इसे अर्ली कार्डियोवैस्कुलर डिजीज बोला जाता है, और अगर आप स्मोकिंग करते हो करंटली तो आप रिस्क में आते हैं, तो इनमें से कोई भी दो से ज्यादा, या आप मोटे हो, ओबेसिटी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बनता जा रहा है, इनएक्टिव लाइफस्टाइल एक रिस्क फैक्टर बनता जा रहा है, लेकिन ये टेम्पररी वाले, लॉन्ग टर्म में इसे ओबेसिटी के साथ गिना जाता है। अगर आप मोटे हो, ओबेस हो, ओवरवेट नहीं, ओबेस हो, तो ओबेस लेवल आपके लिए हाई रिस्क बन जाता है डायबिटीज और ओबेसिटी, तो इकोस्पिरिन आपको रिकमेंडेड ऐसे में होगा।
अगर आपको डायबिटीज है और आपको कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है, ना हार्ट अटैक की हिस्ट्री है, ना ऐसी कोई भी कॉम्प्लिकेशन वाले कोई भी रिस्क फैक्टर्स हैं, तो आपको डायबिटीज, अकेले डायबिटीज होते हुए आपको इकोस्प्रिन की कोई आवश्यकता नहीं है, उसे फिर रेकमेंड नहीं करते। सो ये बहुत जरूरी जानकारी आपको समझना जरूरी है, क्योंकि इकोस्प्रिन जो है या इस एस्प्रिन जो है यह आपके हार्ट अटैक के रिस्क को कम कर सकता है। और इसे लेने का एक क्राइटेरिया है और डोसेज है और रेगुलर फॉलोअप भी है। तो बहुत जरूरी है आपको कि अपने डॉक्टर से फॉलोअप करें, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स फॉलोअप करें, जो भी चीज आपकी इनमें से गड़बड़ है उसको कंट्रोल करें, राइट। अपने रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल में लाएं, तभी आप सेफ रह सकेंगे, तभी हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बच सकेंगे, ठीक है। सो इस वीडियो को शेयर करें जितना हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, एक शेयर आपका बचा सकता है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।